ये बात है 1973 की। दिल्ली का एक लड़का जो बहुत ही गरीब परिवार से था, आज उसके कॉलेज का पहला दिन था और एडमिशन का आखिरी। सर फीस। तुम एक घंटा लेट हो। सर पैदल चल के आ रहा था, मदद कर दीजिए ना सर। ठीक है, लाओ फीस। हाँ सर। कितनी देर कर रहे हो, लाओ। इसमें भी 3 रुपए कम है, लाओ, नहीं तो। सर आज इतने ही थे, आप मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए और मुझे रसीद दे दीजिए, पैसे कल दे दूंगा सर। रसीद आज चाहिए तो पैसे भी आज ही देने पड़ेंगे। ये क्या तरीका है स्टूडेंट से बात करने का? अरुण बेटा, ये महाशय पहले तो एक घंटा लेट आए और ऊपर से 3 रुपए भी कम है, ऐसे कैसे रसीद दे दूं? ठीक है, लाओ। बोलो नाम। सर रजत शर्मा। लो। शुक्रिया सर। ठीक है, धन्यवाद। आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? वो इसमें क्या शुक्रिया अदा करना, पर हाँ आज इन्होंने सारे पैसे फीस में खर्च कर दिए, अब चाय किसे पियेंगे? चलो साथ में चाय पीते हैं। अरुण जेटली मेरे लिए सिर्फ नेता नहीं थे, मेरे दोस्त थे, दोस्त से ज्यादा मेरे मार्गदर्शक थे, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड। वाकई में ये उन पर लागू होता था। मेरी फीस जमा हो गई, एडमिशन हो गया और उस दिन हाथ मेरी मदद के लिए आगे बढ़ा था, उस दिन जो हाथ मेरे कंधे पर रखा गया था वो हाथ आज छूट गया। मेरा कोई भी फैसला अरुण जेटली से पूछे बगैर नहीं होता था, कोई काम मैं उनकी सलाह के बगैर नहीं करता था। आज देश ने एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नेता खोया और मैंने अपना गार्जियन, अपने परिवार का बड़ा उसको खो दिया, और इस खोने का दर्द क्या होता है ये आज मेरे पोर पोर में मैं महसूस कर रहा हूँ। बताने को बहुत कुछ है, याद करने को बहुत कुछ है। आज अरुण जेटली की एक एक बात, उनके साथ एक एक मुलाकात, सब कुछ आंखों के सामने है। जेटली आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे।